गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, नाउ ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आर ईवीएस थर्ड टर्म बुक. सो अभी से हम ईवीएस की थर्ड टर्म बुक से चालू करने वाले हैं. सो ईवीएस थर्ड टर्म बुक इज लाइक दिस. सो ईवीएस की थर्ड टर्म बुक ऐसी दिख रही है. दिस इज अ कंबाइंड बुक. इन दिस कंबाइंड बुक लास्ट पार्ट इज ऑफ ईवीएस. सो ये जो अभी मैंने आपको फोटो दिखा रही हूँ, ये आपकी ईवीएस की कंबाइन बुक है. इसमें लास्ट पार्ट में दैट इज प्ले डू और लर्न, प्ले डू लर्न पार्ट जो है उसमें हम ईवीएस का पढ़ने वाले हैं. उसका अदर नेम क्या है? प्ले डू एंड लर्न. सो ईवीएस का पेज नंबर 65 to 90 है. सो ईवीएस के टॉपिक कहाँ से चालू होते हैं? 65 पेज से टिल 90 पेज तक. सो ये जो बुक है ये ईवीएस की बुक नंबर थर्ड है. इस ये बुक अभी से हम चालू करने वाले हैं. अभी हम आज के लेक्चर में हम देखने वाले कि कौन से टॉपिक्स हम ये ईवीएस के बुक में पढ़ने वाले, ये टर्म बुक थ्री में पढ़ने वाले हैं. सो पहले हम सब टॉपिक्स डिस्कस करने वाले. तो आज के लेक्चर में हम खाली ईवीएस के टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं. तो ईवीएस का मतलब है एनवायरमेंटल स्टडी, जो मैंने आपको पहले बार बताया था. और उसको अलग नाम है दैट इज़ प्ले डू और लर्न. उसको अलग नाम से बुलाते हैं, उसका नाम है प्ले डू और लर्न. ये तीन पार्ट है, प्ले पार्ट, डू पार्ट और लर्न पार्ट. सो प्ले पार्ट, प्ले पार्ट के कितने टॉपिक्स है? तो प्ले पार्ट में वन मेन टॉपिक है और उसके नीचे चार सब टॉपिक्स है. प्ले पार्ट में वन मेन टॉपिक है और उसके नीचे चार सब टॉपिक्स है. सो मेन पार्ट कौन सा है? दैट इज गेम्स एंड कॉम्पिटिशन. तो ये जो प्ले पार्ट है इसमें हम पूरा गेम्स और कॉम्पिटिशन के बारे में देखने वाले, अलग अलग प्रकार के गेम्स लाइक इंडोर आउटडोर गेम्स, सब टाइप्स के गेम्स देखने वाले और कंपटीशन कैसे किया जाता है वो हम देखने वाले हैं. तो वो हम प्ले पार्ट में देखने वाले. उसके नीचे चार टॉपिक्स आते हैं. सो पहला टॉपिक्स है एंटरटेनमेंट गेम्स. पहला टॉपिक क्या है? एंटरटेनमेंट गेम्स. फिर सेकंड टॉपिक है सैनिटरी गेम्स. उसके बाद है रीजनल एंड ट्रेडिशनल गेम्स. उसके बाद क्या है? रीजनल एंड ट्रेडिशनल गेम्स. और उसके बाद लास्ट टॉपिक है डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स एंड कॉम्पिटिशन. उसके बाद क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स एंड कॉम्पिटिशन. तो ये जो चार टॉपिक है ये गेम्स एंड कॉम्पिटिशन के नीचे आते हैं, जो प्ले पार्ट में आते हैं. किस कौन से पार्ट में आते हैं? प्ले पार्ट में. सो प्ले पार्ट में ये टॉपिक्स हैं. उसके बाद हम देखने वाले हैं डू पार्ट. उसके बाद हम कौन सा पार्ट देखने वाले हैं? डू पार्ट. तो डू पार्ट में हम सब ऑप्शनल एक्टिविटीज़ करने वाले. कौन सी एक्टिविटीज़? ऑप्शनल एक्टिविटीज़. उसमें ऑप्शनल एक्टिविटीज़ में थ्री मेन पार्ट्स है. कितने पार्ट्स है? थ्री मेन पार्ट्स है. थ्री मेन पार्ट्स के अंदर बहुत सारे सब पार्ट्स है और एक अलग पार्ट है. सो पहला पार्ट कौन सा है? एरिया ऑफ प्रोडक्शन. एरिया ऑफ प्रोडक्शन में टोटल ए टू ई पार्ट्स है. सो ए पार्ट है दैट इज किचन गार्डनिंग. पहला कौन सा पार्ट है? किचन गार्डनिंग. उसके बाद पॉट कल्टीवेशन, पॉट कल्टीवेशन. उसके बाद इंट्रोडक्शंस टू पॉटेड प्लांट्स, इंट्रोडक्शन टू पॉटेड प्लांट्स. आफ्टरवर्ड्स फ्रूट्स प्रोसेसिंग. उसके बाद फ्रूट प्रोसेसिंग है. एंड द लास्ट वन इज फिशरिंग. एंड द लास्ट वन इज फिशरिंग. तो ये सब पार्ट्स ऑप्शनल एक्टिविटीज़ के अंदर ए पार्ट में एरिया ऑफ प्रोडक्ट में आते हैं. उसके बाद है सेकेंड पार्ट दैट इज बी पार्ट दैट इज एरिया क्लोथिंग. ये जो एरिया क्लोथिंग ये भी डू पार्ट में ही है पर ये सेकेंड सब टॉपिक है दैट इज एरिया क्लोथिंग. एरिया क्लोथिंग में चार टॉपिक्स है. इन एरिया क्लोथिंग देर आर फोर टॉपिक्स. सो द फर्स्ट टॉपिक इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ. बी टॉपिक है बेसिक ऑफ स्वीविंग एंड स्टिचिंग, बेसिक ऑफ स्वीविंग एंड स्टिचिंग. उसके बाद पपेट मेकिंग, पपेट मेकिंग.
एंड द लास्ट वन इज कॉर वर्क, कॉर वर्क. सो ये चार टॉपिक्स एरिया क्लोथिंग के नीचे है, अंडर है. उसके बाद सी पार्ट, सी पार्ट में एरिया शेल्टर है. एरिया शेल्टर के अंदर थ्री पार्ट्स है. सो कौन से थ्री पार्ट्स है? फर्स्ट वन इज क्ले वर्क, जो हमने पिछले टर्म बुक में भी किया था और इस टर्म बुक में भी हम करने वाले हैं, दैट इज क्ले वर्क. उसके बाद बाम्बू वर्क एंड कैन वर्क, बाम्बू वर्क एंड कैन वर्क. और लास्ट पार्ट है गार्डनिंग ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, गार्डनिंग ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स. और जो लास्ट टॉपिक है वो है अदर एरियाज. अदर एरियाज में एक ही सब टॉपिक है, दैट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, दैट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. सो ये जो जितने भी पार्ट्स हमने देखे वो सब डू पार्ट्स में आते हैं. सो डू पार्ट्स में टोटल थ्री सब टॉपिक्स है, उसमें भी एक और है बट विच इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, और उसके नीचे स्मॉल स्मॉल सब टॉपिक्स है. सो दिस ऑल कम अंडर डू पार्ट. उसके बाद आता है वो है लर्न पार्ट, आफ्टरवर्ड दैट इज लर्न पार्ट. लर्न पार्ट में फर्स्ट टॉपिक है साउंड, साउंड ये मेन टॉपिक है और उसके नीचे चार सब टॉपिक्स है. साउंड के नीचे चार सब टॉपिक्स है. सो फर्स्ट सब टॉपिक इज इंट्रोडक्शंस टू डिफरेंट साउंड, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट साउंड. उसके बाद बी टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट. सी पार्ट है अदर साउंड्स, सी पार्ट है अदर साउंड्स. एंड डी पार्ट है पेस्ट पिक्चर ऑफ डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. जो हमने पिछले टाइम जो हमने लर्न पार्ट में किया था वो अलग था और ये लर्न पार्ट में हम पूरा साउंड के बारे में करने वाले हैं. इसीलिए ये चार टॉपिक्स दिए. ये चार टॉपिक्स में हमें पहला करना है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट साउंड, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, देन थर्ड वन इज अदर साउंड एंड लास्ट वन इज बेस्ट पिक्चर ऑफ डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. सो ये ईवीएस के थ्री मेन टॉपिक्स है, दैट इज प्ले पार्ट, डू पार्ट एंड लर्न पार्ट. सो प्ले पार्ट में हम सब गेम्स और कॉम्पिटिशन, जितने भी गेम्स है, कौन से प्रकार के गेम्स है, वेरियस टाइप्स ऑफ गेम्स, देन वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन, हाउ इट इज़ बीन हेल्ड आउट, हाउ इट इज़ बीन प्लेड, वो सब हम इसमें देखने वाले. फिर इसमें हम एंटरटेनिंग गेम देखने वाले हैं, फेवरेट गेम देखने वाले हैं, देन पजल्स वाला देखने वाला है, राइटिंग्स, हर एक गेम्स देखने वाले हैं, हर एक कॉम्पिटिशन्स हम प्ले पार्ट में देखने वाले हैं. उसके बाद डू पार्ट में हम जो फोर टॉपिक्स है उसमें से फर्स्ट टॉपिक में हम सब जो जितने भी फिशिंग, फ्रूट्स, एनिमल, किचन, गार्डनिंग के बारे में है वो देखने वाले हैं, दैट इज एरिया ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव थिंग जितने भी है उसके बारे में देखने वाले हैं. फिर बी बात में हम क्लोथिंग यानी क्लोथ्स के बारे में देखने, क्लोथ्स कैसे बनाते हैं, क्लोथ्स किस किस प्रकार से बनाते हैं, क्लोथ्स का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, क्लोथ्स से हम पपेट बनाते हैं एक्सेट्रा, वो सब हम देखने वाले. वो किधर देखने वाले? एरिया ऑफ क्लोथिंग में. उसके बाद एरिया ऑफ शेल्टर, शेल्टर में हम देखने वाले कि हम खुद को प्रिवेंट करने के लिए नेचर से किस किस वस्तुओं की साया लेते हैं, शेल्टर यानी प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे बाम्बू वर्क, कैन वर्क एक्सेट्रा, वो सब हम एरिया ऑफ शेल्टर में देखने वाले. और अदर्स एरिया में हम इंडस्ट्रियल देखने वाले हैं यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियल देखने वाले हैं. तो ये सब हम डू पार्ट में करने वाले या सीखने वाले हैं. और लास्ट में है लर्न पार्ट. सो लर्न पार्ट में हम पूरा साउंड के बारे में देखने वाले, साउंड कैसे प्रोवाइड किया जाता है, साउंड का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, फिर अलग अलग प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसको किस प्रकार बजाते हैं, उसको किस प्रकार यूज़ करते हैं, उसका नाम क्या है, वो सब इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम साउंड ये पार्ट में देखने वाले जो लर्न पार्ट में है. सो दिस आर द थ्री मेन टॉपिक्स ऑफ ईवीएस. सो दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन आर EVS lecture, and that is which we are going to study in our term book third, which we are going to study in our term book third. So now we are going to start with our first topic, that is
गेम्स एंड कॉम्पिटिशन। तो आज हम प्ले पार्ट का फर्स्ट टॉपिक देखने वाले, दैट इज गेम्स एंड कॉम्पिटिशन। सो वॉट इज गेम्स एंड वॉट इज कॉम्पिटिशन? तो गेम्स यानी क्या? अलग अलग प्रकार के जो गेम्स रहते, जो खेल रहते हैं, जो हम खेलते हैं, उसमें इंडोर गेम्स भी आ सकते हैं, आउटडोर गेम्स भी आ सकते हैं। अभी इंडोर गेम्स यानी क्या? जो गेम्स हम घर के अंदर खेले जाते हैं उसको हम इंडोर गेम्स कहते हैं। और आउटडोर गेम्स यानी जो गेम्स हम घर के बाहर खेलते हैं, यानी ओपन ग्राउंड में खेलते हैं, उसको हम आउटडोर गेम्स कहते हैं। आपको गेम्स के दो प्रकार मालूम पड़े, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स यानी जो गेम्स हम घर के अंदर खेलते हैं उसे हम इंडोर गेम्स कहते हैं, और जो गेम हम घर के बाहर खेलते हैं यानी ओपन फील्ड में, उसको हम आउटडोर गेम्स कहते हैं। ये गेम्स के प्रकार है। अभी कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन यानी क्या? कोई भी गेम्स खेलते समय हम कॉम्पिटिशन करते हैं, हम एक दूसरे के साथ कॉम्पिटेट करते हैं, यानी कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन फर्स्ट रेस कंप्लीट करते हैं, कौन सेकंड रेस कंप्लीट। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन रहता है दोनों के बीच में, दोनों के बीच या चारों के बीच में। तो दैट इज़ मीन बाय कॉम्पिटिशन। सो उसमें से फर्स्ट टॉपिक है वो आज जो हम देखने वाले हैं, एंटरटेनमेंट गेम्स। एंटरटेनमेंट गेम्स यानी जो हम फन के लिए खेलते हैं, हमारे खुद के एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं। एंटरटेनमेंट गेम में कोई भी प्रकार का कंपटीशन नहीं रहता है, कोई भी प्रकार का विनर या लूजर नहीं रहता है। वो गेम खाली हम हमारे खुद के एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं, उसे ही हम एंटरटेनमेंट गेम कहते हैं। सो एंटरटेनमेंट गेम में क्या नहीं रहता है? कंपटीशन नहीं रहता है, उसमें खाली फन रहता है, उसमें खाली एंजॉयमेंट रहता है। हम हमारे खुद के लिए एंटरटेन करने के लिए वो गेम्स खेलते हैं। सो एंटरटेनमेंट गेम्स कौन से प्रकार के हो सकते हैं? जैसे कि हाइड एंड सीक, विच इज़ ऑल्सो मीन लॉक एंड की, देन ब्लाइंड मैन बफ, देन कैचिंग द कुक वाइल क्लाइंबिंग द ट्री, एक्सेट्रा। जो भी गेम्स है वो सब एंटरटेनमेंट गेम्स में आते हैं। अभी आपके बुक में उन्होंने दो तीन एंटरटेनमेंट गेम्स दिए हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से एंटरटेनमेंट गेम्स वो हैं। सो फर्स्ट दे हैव टोल्ड दैट टिक करेक्ट टू योर फेवरेट गेम। अभी यहाँ पे थ्री पिक्चर्स एक साइड में दिए और बाकी के थ्री पिक्चर्स दूसरे साइड में दिए, और उसके नीचे बॉक्स दिया है। वो बॉक्स के नीचे आपको टिक करना है, आपको कोई भी अगर वो फेवरेट गेम है तो आपको वो बॉक्स के नीचे टिक करना है, अगर वो आपका फेवरेट गेम नहीं है तो आपको नहीं टिक करना है। गॉट इट? सो फर्स्ट गेम इज टिक योर फेवरेट गेम। सो जो पहला गेम है वो है थ्री लेग रेस। थ्री लेग रेस यानी क्या? तो यहाँ पे दो पार्टनर्स एक साथ खड़े रहेंगे और दोनों के एक एक पैर को जॉइन करके उसको रस्सी से बांधा जाएगा, यानी नॉट से टाइट किए जाएंगे आपके दोनों, एक जन का फर्स्ट पार्टनर का वन लेग और सेकंड पार्टनर का अदर लेग, जैसे पिक्चर में दिखाए। वो लेग टाई करने के बाद जब विसल बजेगी तो दोनों को एक साथ आगे जाना है, और आगे जाते समय उनको देखना है कि उनका पैर दोनों का एक साथ ही जाना चाहिए। अगर एक जन का पैर आगे जा रहा है और दूसरे का पीछे जा रहा है तो वहाँ पे आप गिर भी सकते हो। तो ये थ्री लेग्स है। अगर ये आपका फेवरेट है तो आपको बॉक्स के अंदर टिक करना है। तो ये जो गेम है ये मेरा फेवरेट है तो मैं ये बॉक्स के अंदर टिक करने वाली हूँ। देन सेकेंड वन इज लेमन एंड स्पून। लेमन एंड स्पून यानी क्या? तो ये गेम में सिंगल खेला जाता है। ये गेम में जो खेलने वाला है उसके मुंह में चम्मच रहती है, यानी स्पून रहती है, और वो स्पून के अंदर एक लेमन रहता है। लेमन यानी नींबू रहता है। तो वो स्पून आपको आपके मुंह में होल्ड करनी है जैसे पिक्चर में दिखाया है, और वो स्पून के अंदर आपको लेमन रखना है, और आपको चले जाके वो रेस कंप्लीट करनी है। पर आपको देखना है जब आप चलते हो वो स्पून के अंदर से जो लेमन है वो नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर वो नीचे गिरा तो आप हार गए। और आपको ये भी देखना कि आपको आपका हाथ वो स्पून को और लेमन को टच नहीं करना है, आपको वो लेमन आपके मुंह में ही होल्ड करके रेस कंप्लीट करनी है। सो दिस इज़ द गेम लेमन एंड स्पून। अगर आपका ये फेवरेट गेम है तो आपको बॉक्स के अंदर टिक करना है। आफ्टरवर्ड्स इज होपिंग। होपिंग यानी क्या? तो यहाँ पे आपको आपका एक पैर ऊपर रखना है और आपको लंगड़ी करके वो पूरा जो रेस है वो कंप्लीट करना है, उसे ही हम हॉपिंग कहते हैं। आपको वो पिक्चर में दिख रहा होगा एक लड़की लंगड़ी यानी हॉपिंग कर रही है।
अगर ये आपका फेवरेट गेम है तो आप टिक मार्क करोगे वो बॉक्स के अंदर। ओके, नाउ साइड में, साइड में उधर ग्रुप्स गेम है। ग्रुप्स गेम में लॉक एंड की, लॉक एंड की यानी यहाँ पे एक जो बच्चा है उसके ऊपर डाई होगा और बाकी के सब बच्चे दौड़ने वाले। अगर वो जो बच्चा जिसके ऊपर डाई है अगर उसने जाके दूसरे बच्चे को हाथ लगाया तो वो लॉक हो जाएगा और बाकी के बच्चे को जाके उसको की देना है। ऐसे ही करते समय अगर एक बच्चा तीन बार लॉक होता है तो वो आउट होता है। इसको ही हम लॉक एंड की गेम कहते हैं। तो ये गेम ग्रुप्स में खेला जाता है जहाँ पे एक बच्चा डाई लेने वाला है और बाकी के बच्चे दौड़ने वाले, और जो बच्चा डाई लेने वाला है वो बाकी के बच्चे को लॉक करने वाला है। अगर उसने पूरे बच्चे को लॉक किया तो जो पहले लॉक था उसके ऊपर डाई आ जाएगी। अगर उसने एक ही बच्चे को लॉक किया और वो बाकी बच्चे को लॉक करने के लिए जा रहा है, अगर दूसरे बच्चे ने जो बच्चे को लॉक किया था उसको की दिया तो वो फिर से दौड़ना चालू करेगा। तो ये गेम ऐसे ही कंटिन्यू रहता है। अगर एक बच्चा तीन बार लॉक हो जाता है तो उसके ऊपर डाई आती है। सो दिस इज लॉक एंड की। देन इट इज ब्लाइंड मैन बफ। ब्लाइंड मैन बफ यानी यहाँ पे ये भी गेम ग्रुप में खेला जाता है। यहाँ पे एक बच्चा वो डाई लेगा, जो डाई लेने वाला है उसके आंखों पे पट्टी रहती है, क्लोथ बांधा हुआ रहता है, पट्टी बांधी हुई रहती है और उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। उसको बाकी के जो बच्चे उसके बाजू में दौड़ रहे हैं उनको पकड़ना है। अगर जो बच्चा के आंखों पे पट्टी है अगर उसने कोई भी लड़का या लड़की को पकड़ लिया तो वो आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो ब्लाइंड मैन बफ है ये गेम खेला जाता है। अगर ब्लाइंड मैन बफ आपका फेवरेट गेम है तो आपको वो बॉक्स के अंदर टिक करना है। तो ये मेरा फेवरेट गेम है तो मैं ये बॉक्स के अंदर टिक करने वाली हूँ। उसके बाद लास्ट गेम इज कैच द कुक वाइल क्लाइंबिंग द ट्री। कैच द कुक वाइल क्लाइंबिंग द ट्री, तो आपको क्या करना है, आपको दूसरे जन को आउट करना है। कैसे, जब आप ट्री के ऊपर चढ़ते हैं तभी आपको दूसरे जन को फटाक से आउट करना है। उसको ही कैचिंग द कुक वाइल क्लाइंबिंग द ट्री कहते हैं। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि एक बच्चा बाकी के बच्चे को पकड़ रहा है, अगर वो नीचे है ग्राउंड पे तो उनको आउट कर सकता है, पर अगर वो ट्री के ऊपर चढ़ रहे तो उनको आउट नहीं कर सकता। पर अगर उनका पैर या कोई भी बॉडी पार्ट जमीन के नीचे है तो उनको आउट कर सकते हो। सो दिस इज गेम लाइक कैचिंग द कॉक वाइल क्लाइंबिंग द ट्री। अगर ये आपका फेवरेट गेम है तो आप वो बॉक्स के नीचे टिक कर सकते हो। सो दिस वर ऑल एंटरटेनमेंट गेम्स विच वर गिवन इन योर बुक। तो ये सब एंटरटेनमेंट गेम्स है। यहाँ पे हम फन करते हैं, यहाँ पे हम मजा लेते हैं गेम्स खेलने के बाद। यहाँ पे कोई भी विनर या लूजर नहीं रहता है। ओके, नाउ ऑन पेज नंबर 67 आपकी ईवीएस के कंबाइंड बुक में पेज नंबर 67 पे उन्होंने एक्टिविटी दी है, दैट इज कलर द पिक्चर। तो यहाँ पे उन्होंने स्पून और मार्बल या लेमन का पिक्चर दिया है, उसको आपको कलर करना है। तो आप आपके हिसाब से जो भी फेवरेट कलर है वो कलर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी मैं पिक्चर दिखाने वाली हूँ, यहाँ पे मैंने मेरा फेवरेट कलर था वो किया है, आपको दिख रहा है। सो आई हैव कलर द पिक्चर विथ माई फेवरेट कलर। सो यू कैन ऑल्सो कलर विथ योर ओन फेवरेट कलर। सो आपको ये जो पिक्चर है स्पून और लेमन या स्पून और मार्बल का, उसको आपको कलर करना है। सो दिस इज योर होमवर्क। एंड द लास्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज बीन गिवन देयर, नेम टू अदर सिमिलर गेम्स विच यू लाइक। तो यहाँ पे कोई भी दो गेम्स का नाम लिखना है जो आपको पसंद है। आपको जो भी दो गेम पसंद है उसका नाम लिखना है। तो आपको कोई भी दो जो भी गेम पसंद है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैं एक गेम लिखने वाली हूँ, वो है हाइड एंड सीक। कौन सा गेम, हाइड एंड सीक। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट गेम का नाम लिखने वाली हूँ हाइड एंड सीक, और सेकेंड गेम का नाम लिखने वाली हूँ डॉग एंड द बोन। सेकेंड गेम का नाम लिखने वाली हूँ डॉग एंड द बोन, क्योंकि ये जो दो गेम है इसमें मैं एंजॉय करती हूँ। तो आपका कौन सा दो गेम है जिसमें आप एंजॉय करते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वन में लिखा है हाइड एंड सीक और सेकेंड वन में लिखा है डॉग एंड द बोन। सो स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट टूडेज लेक्चर। सो इन टूडेज लेक्चर वी हैव सॉ अबाउट प्ले पार्ट वेयर वी हैव सॉ व्हाट इज मीन बाय गेम्स एंड कॉम्पिटिशन। तो हमने देखा गेम्स और कॉम्पिटिशन क्या है, यानी गेम्स यानी जहाँ पे हम
खेलते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स खेलते हैं, उसे ही हम गेम्स कहते हैं। और कॉम्पिटिशन यानी जहाँ पर हम एक दूसरे से के साथ कॉम्पिटिट करते हैं, उसे ही हम कॉम्पिटिशन कहते हैं। फिर हमने एंटरटेनिंग गेम्स देखे। एंटरटेनिंग गेम्स में हमने थ्री लेग रेस देखा, लेमन एंड स्पून देखा, हॉपिंग देखा, लॉक एंड की देखा, ब्लाइंड मैन बफ देखा, कैचिंग द कॉक वाइल क्लाइंबिंग द ट्री देखा। फिर हमने एक एक्टिविटी की जहाँ पे हमने कलर पिक्चर को कलर किया, वो पिक्चर था स्पून और लेमन का। फिर उसके बाद हमने एक और एक एक्टिविटी की जहाँ पे हमें पूछा था राइट टू अदर सिमिलर गेम्स विच यू लाइक, जो गेम्स हमें पसंद है उनके नाम लिखने के लिए बोले थे। तो हमने हाइड एंड सीक और डॉग एंड द बोन के नाम लिखी। सो दिस वी हैव स्टडी इन अ टू डेज लेक्चर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ स्टूडेंट, इट्स अ होमवर्क टाइम। सो होमवर्क क्या है? सो द होमवर्क इज यू हैव टू कम्प्लीट पेज नंबर 67। तो 67 पेज नंबर यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है पेज नंबर 67 पे, वो आपको कम्प्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो पिक्चर दिया है उसको कलर करना है, ये आपका होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो 2 गेम्स लिखने के लिए बोले हैं, वो आप अपने हिसाब से दो फेवरेट गेम्स लिख सकते हो, जो भी आपके फेवरेट है, या तो वो लिख सकते हो या तो जो मैंने लिखा है वो आप लिख सकते हो। तो ये आपका होमवर्क है। सो यू हैव टू कम्प्लीट दिस होमवर्क एंड यू हैव टू क्लिक द फोटो एंड यू हैव टू सेंड इट टू मी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।